And the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. कहाँ से सुन लिया? निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बात नहीं करनी कि काविश के बर्थडे पे कहाँ. देखो वैसे तो बड़ी निशा से पूछने की कोशिश की थी. पता नहीं अब वो क्या बोल रही है. आई डोंट पे मच हीड टू इट. आई हैवंट सीन माय सन फॉर 14 मंथ्स. 2nd नवंबर इज द ओनली टाइम व्हेन आई एंटर्ड द हाउस. आई सॉ हिम. ही केम. ही सेड आप रहने आए हो. I had a certain thing, I gave it to him. And the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, I will fight this. You have to hold on now. You will have to hold on. Because I can't concentrate on that part first. How do I? पहले माँ बाप भाई को निकालूँ, अपने आप को निकालूँ, सिचुएशंस करूँ, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊँ कि मैं काविश को लेके घूमूँ अब. यस आई हैव. डू यू थिंक इन दिस सिचुएशन जो चल रहा है, इज इट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर काविश टू बी इन दैट सिचुएशन? अगेन एविडेंस प्रोवाइडेड ही इज नॉट इन एन ओके स्पेस. ही इज 100 times बेटर ऑफ विद मी राइट नाउ. जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे अपने पेज पे डालो, कुछ भी करो आप, डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो. इस सिचुएशन में काविश की आप, काविश की क्या वीडियोज डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है. व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था. आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश. इफ अगर आप लोग को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया. इफ यू गाइज रिमेंबर, करेक्ट? मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए, कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का. ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा. दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज, एंड लुक हाउ इज बीइंग यूज्ड. करण, आपकी बातचीत में कहा कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं होगी. तो ये जो जितना शिट है इससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल, और वो क्या चीज है जितना? देखिए अभी सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते. सी अगेन द मैटर इज इन लिटिगेशन. टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज ऑल्सो नॉट ओके. द रीजन वाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड, बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट में लग चुकी हैं. ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज़ आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने. ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, तभी आई एम स्ट्रांग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अराउंड, बिकॉज आई हैव इनफ थिंग्स नाउ. आई हैव इनफ पीपल टेलिंग मी थिंग्स.